हिंदुस्तान के समंदर में इन दिनों वॉरशिप गरज रहे हैं। और अगली बुरी खबर, चीन पाकिस्तान दोनों का तनाव बढ़ाएगी। भारत 9 दिन की नेवल एक्सरसाइज मिलान एक्सरसाइज कर रहा है। सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जो कि नेवल युद्धाभ्यास है विशाखापट्टनम में होने जा रहा है और 51 देश तैयार हैं इसके लिए। भारत ने अपने सबसे घातक हथियार को समंदर में तैनात करने की तैयारी की है। 50 मुल्कों की नेवीज इसमें शामिल है जिनमें बहुत बड़े बड़े ममालिक के नाम शामिल है। ये एक बड़े पैमाने पे एक्सरसाइज हुई है। पहली बार हुआ है कि इतने सारे देश मिलकर वहाँ की नौसेना मिलकर किसी देश में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है और ये 9 दिन तक लगातार चलने वाली है। So, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के एक्शंस के ऊपर डिपेंडेड है। इस तरीके से भारत चाइना को मात दे रहा है, काउंटर कर रहा है। हमारा अपना कोई माइंडसेट नहीं है, कोई सोच नहीं रही, हमारी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है क्या होगा, हमें कुछ पता नहीं क्या होगा। इससे चाइना को बहुत ज्यादा धचका लग। What India will decide, हम उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। ये है हमारी टोटल अप्रोच। US, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही बहुत अहम इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े ममालिकों की नेवीज इस एक्सरसाइज में शामिल। कोई इंडिया के अंदर आए रोज, कभी ग्रीस, आज देखिए ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं वहां पे, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि रोज कोई ना कोई वहां पे आया होता है। दे आर इमर्जिंग ग्लोबली, बहुत हाई है। मैं आपको एक बात बताऊं, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है म्यूनिक के अंदर, एक पाकिस्तानी वहां पे नहीं था। इंडिया के थिंक टैंक्स, इंडिया के मीडिया, इंडिया का फॉरेन ऑफिस, उनकी लीडरशिप वहां पे मौजूद थी, इवन बांग्लादेश वहां मौजूद था, एक भी पाकिस्तानी नहीं था। क्यों? हम घर में लड़ाइयां कर रहे हैं, असी करो एक दूसरे नाल, जो हम कहते हैं ना कि वो दस्तों गिरेबान है हम एक दूसरे के साथ। दैट्स वॉट वी आर डूइंग, हम ये दस्तों गिरेबान हैं एक दूसरे के साथ, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे और हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। और हम क्या करें और क्या ना करें, हम बात करने वाले हैं। भारत 9 दिन की नेवल एक्सरसाइज मिलान एक्सरसाइज कर रहा है। 50 मुल्कों की नेवीज इसमें शामिल है जिनमें बहुत बड़े बड़े ममालिक के नाम शामिल है, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही बहुत अहम इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े ममालिकों की नेवीज इस एक्सरसाइज में शामिल है। रेड सी में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए और चाइना को काउंटर करते हुए भारत ने इस नेवल एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करवाया है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। कल से ये एक्सरसाइज शुरू हुई है और ये 9 दिन तक लगातार चलने वाली है। इससे चाइना को बहुत ज्यादा धचका लग रहा है, चाइना इसके ऑपोजिशन पर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या कभी पाकिस्तान चाइना को टारगेट कर पाएगा? क्या कभी पाकिस्तान चाइना को बीट करने के बारे में सोच पाएगा? जिस तरीके से भारत चाइना को मात दे रहा है, काउंटर कर रहा है, उसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? किस तरह हो सकता है कि पाकिस्तान के ये चोर जितने इकट्ठे हुए हैं ये उसको बीट करेंगे? कभी नहीं हो सकता, सोचने छोड़ दें। ये तो मोहताज हैं, ये सब मोहताज हैं। मैंने अपने पहले इंटरव्यू में आपसे कहा था, ये मोहताज हैं। इन्होंने तो मांगने का एक सिलसिला बना दिया, हाथ ऐसे करवा दिए पूरी कौम के, बस ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ, दे दें जी अल्लाह के नाम का दे दें, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। कर सकते कैसे बीट करेंगे? 500 डैम, 1500 डैम, बिजली फ्री, टैक्स फ्री, हर चीज़ फ्री, तो कैसे करेंगे? यहाँ तो डैम कितने हैं वो भी नहीं पानी के साथ भर रहे, आए दिन लोड शेडिंग आए दिन। अब सर्दियाँ गई, सर्दियों में भी कभी लोड शेडिंग देखी थी? मैंने नहीं देखी, ठीक है ना। क्यों हो रही है? नीते नहीं ठीक इन हुक्मरानों की, इनका ये जो अभी कर रहे हैं ये शोर शराबा, ये रोज मीटिंगें हो रही हैं, रोज ही जरदारी साहब मिल रहे हैं। क्या कह रहा था बिलावल? 300 यूनिट फ्री दूंगा। नहीं, वो तो अलीम खान ने कहा है ना, 300 यूनिट ने भी कहा, तो कहां से देंगे? इनके घर में बिजली पैदा हो रही है, ये देंगे? कभी नहीं ऐसा होगा, ये कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। इनके पास है ही कुछ नहीं, मेरे पल्ले ही कुछ नहीं है, तो मैं तो कहूंगा निमरा इज ए ग्रेट, निमरा इज ए सार, मैं तो गीत गाऊंगा। वो जटकी सी मिसाल का पंजाबी दी मिसाल, जिदा खाइए उदा गाइए। अब ये वहाँ से ले रहे हर चीज़, वो इनको दे रहे हैं, तो ये तो कहेंगे हमारा आका है, हमारा मौला, ये सब कुछ मानने के लिए तैयार है। भारत हमसे बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा, उनकी करेंसी इवन हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है।
आप ये देखेंगे अगर एक गाड़ी की कंपनी है उसकी प्राइस रुपीस में पाकिस्तान में अगर 8 लाख है तो भारत में 4 लाख है, तो कोई कंपैरिजन अब रहा ही नहीं है, कंपैरिजन अब हो ही नहीं सकता, वो बहुत आगे जा चुका है। उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया है, उनकी जो है इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ बहुत ऊपर जा चुकी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपैरिजन बनता है। चाइना को बीट करने के लिए नेवल एक्सरसाइज जो कर रहे हैं और 50 मुल्क की नेवीज शामिल हैं, एक्सरसाइज चल रही है, 9 दिन लंबी एक्सरसाइज है, आपको क्या लगता है क्या वो चाइना को प्रॉपरली बीट कर पाएंगे? हाँ मे बी, क्योंकि इंडिया जो है वो भी एक सुपर पावर बनने की दौड़ में आ चुका है और चाइना ऑलरेडी एक सुपर पावर है, तो हो सकता है कि हाँ इंडिया उसको बीट कर ले, लेकिन पाकिस्तान का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान की जब अपने अंदर के हालात नहीं ठीक हो रहे, जब उनके वो पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे तो वो कोई अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे, तो अभी पहले उनके पॉलिटिक्स के मामला ठीक होंगे, बाद में जाके कोई अच्छा हुक्मरान हमें मिलेगा, कोई हालात ठीक होना शुरू होंगे, महंगाई से हम निकलेंगे, गुर्बत से हम निकलेंगे, तब जाके हम टेक्नोलॉजीज पर फोकस करेंगे, उससे पहले तो हमारा कोई नामो निशान नहीं। चाइना हमारा दोस्त है, दुश्मन है, मफाद परस्त है, कौन है? मफाद परस्त है। क्या कह दिए, शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती को। देखें, कोई किसी के अपने फायदे के बगैर किसी की मदद नहीं करता, ये दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ये हमें पता है, तो हम ये नहीं कहेंगे हमारा दोस्त है, हो सकता है कि हमें जब बहुत जरूरत पड़े आगे जाके किसी भी हालात में तो चाइना हमारी मदद ना करे। हाँ, तो एक दफा पहले ऐसी हरकत हो चुकी है। हाँ, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि वो हमारा दोस्त है? लेकिन अब वो हमें दें कितना कू, हम खुद भी तो नहीं स्टेबल हो रहे। नहीं, तो बात है ना कि हम जब खुद ही अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे तो हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन ही रिडिकुलस है, हमें इस ये क्वेश्चन ही नहीं बनता कि कहाँ पाकिस्तान, कहाँ इंडिया और कहाँ चाइना। आपको क्या लगता है तरक्की करने के लिए पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव्स देगी, बाहर की जो कंपनीज हैं वो इंटरेस्टेड होंगी, वो आके यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगी, हम उनको कोई बेनिफिट्स देंगे तो फिर हमें बेनिफिट होगा, ऐसे फिर मार्केट भी ग्रो करती है और इकोनॉमी भी ग्रो करती है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जब एक गवर्नमेंट आती है अब कुछ और इंसेंटिव देती है, अगली गवर्नमेंट आती है अब कुछ और इंसेंटिव देती है, तो इस तरह फिर इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट लूज हो जाता है। हम कहते हैं कि चाइना के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, अब भारत उनको बीट कर रहा है, क्या कहते हैं आप इसके बारे में, क्या भारत इतना पावरफुल है? भारत जैसा भी है लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो अपेरेंट है वो है, अंदर के हालात तो उन्हीं को पता, लेकिन जो अपेरेंटली जो स्टेबिलिटी है वो है, वहाँ की मार्केट भी बड़ी है, इस वजह से इन्वेस्टर वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बाहर की जो ओवरसीज कंपनीज हैं उनको इंसेंटिव्स भी ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पे लेबर भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, स्किल्ड भी और जो मैनुअल लेबर है वो भी। इंडिया की बात करें, रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और उन्होंने मिलके बड़ा मोस मिसाइल बनाया, जो कि अब वो ना सिर्फ पहले तो हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो भी इंपोर्ट करते होंगे, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट की तरफ जाने लग पड़े। सर देखिए, पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही खत्म हो जाती है, लाइक अगर आपके पास जब पैसा ही मौजूद नहीं है खरीदने के लिए तो आप क्या करेंगे? पाकिस्तान की पब्लिक को पूछा जाए कि भाई हमारा जो डिफेंस है, हमारा मुकाबला किससे है या हम किसके लिए अपने डिफेंस को मजबूत करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, तो कौन से कंट्री का नाम आएगा? इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस कंट्री से अलग हुए हैं, इंडिया, उसी का नाम आता है। उसका नाम आएगा।